स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी, इसके बारे में मैं आज से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब पागलपन या एक ऐसी बीमारी जिसमें मन का विच्छेदन हो जाता है, स्प्लिट माइंड जिसको बोलते हैं, या कैंसर बोलते हैं बीमारी, मन का कैंसर बोलते हैं, ऐसी बीमारी है। और ये पूरी दुनिया में ये बीमारी पाई जाती है, सभी लोगों को ये बीमारी आती है। ये बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया की जो मन की है, जिसमें बहुत दिन तक ये बीमारी चलती है और जिसमें मानसिक अपंगत्व आ सकता है। दवाई से कुछ हद तक फायदा होता है, मगर लोग दवाई छोड़ देते क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट से लोग छोड़ देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद में होता क्या है कि कभी कभी ज़िंदगी के अच्छे मौके छूट जाते हैं हाथ से, जैसे नौकरी छूट जाना या कोई बिजनेस का मौका छूट जाना, बिजनेस बंद करने लगना, ऐसा हो जाता है, तो इससे वो पिछाड़ी पे आता है स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद में। स्किज़ोफ्रेनिया एक सोशल स्टिग्मा है, लोग अच्छी नज़र से देखते नहीं है, सामाजिक अभिशाप है। फिर तीसरा, स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद में कुछ लक्षण जो है वो हरदम के लिए निकलते नहीं है, कुछ लक्षण बने रहते हैं और फिर वो ट्रबलसम होते हैं, और दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं और वो निकलते नहीं जल्दी। तो ऐसे होने के बाद में ये बीमारी ट्रबलसम हो सकती है, मतलब तकलीफ देह हो सकती है बीमारी। कभी कभी ये बीमारी एकदम अचानक, मतलब अच्छा लड़का रहता है, बच्चा, लड़की, लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि एकाएक वो वायलेंट हो गया, एकाएक शक करने लगा, एकाएक उसको भ्रम होना शुरू हो गया, एकाएक उसको लग रहा है कि लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, एकाएक हिंसक होने लगा, और वो एकाएक गंभीर रूप धारण कर लेती बीमारी, और घर के लोगों को समझता नहीं हुआ क्या है। या कभी कभी एकदम इतना ही धीरे 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 उसकी मतलब इसका आगमन होता है बीमारी का, पीछे दरवाजे से मालूम भी नहीं पड़ता कि बीमारी आ रही है। और वो होता है कि कभी काम पे नहीं जाना, काम छोड़ देना, अकेले के रहना, आइसोलेशन में रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, धीरे धीरे बढ़ते जाना। यदि वो अचानक शुरू हो गए तो उसमें फिर हेल्यूसिनेशंस होते हैं, भ्रम, जिसमें कान के भ्रम है, आँखों के भ्रम, टेस्ट के भ्रम, जीवा के भ्रम, जीवा, स्किन के भ्रम होते हैं, नाक में से बांस आती है उसके भ्रम होते हैं, कुछ तो ऐसे भ्रम होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब विचारों के भ्रम होते हैं। फिर विचार जो है वो ऐसे कंटिन्यूटी में नहीं आते, एक विचार के बाद में दूसरा विचार भलते ही आ जाएगा, और वास्तविक और अवास्तविक में फ़र्क नहीं होता, रियल क्या है और अनरियल क्या है उसमें फ़र्क नहीं समझता। धीरे धीरे वो अकेला रहना पसंद करता है, सोशल आइसोलेशन, मिलना जुलना नहीं, आमदनी कम हो जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, फिर फाइनेंशियली भी कंडीशन धीरे 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 नीचे नीचे स्तर पर चली जाती है। कुछ लोगों को यदि जल्दी इलाज उनका हो गया, माँ बाप में कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अनुवंशिकता नहीं है कुछ भी, इलाज जल्दी हो गया तो पूरी तरह वो अच्छा हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दवाई खा के वो ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं और ज़िंदगी में काम भी कर सकते हैं, और ज़िंदगी उनकी शादी होती है, दवाई खा रहे और सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं। और कुछ लोग जो है वो दवाई खाने के बावजूद भी उनको लक्षण रहते हैं और वो क्रॉनिक हो जाते हैं। तो ऐसी ये बीमारी है, ना ये जान लेती है, मतलब इसमें कोई जान को खतरा नहीं है, मगर आदमी यदि वो ठीक नहीं हो रहा है तो काम का नहीं रहता और फिर फैमिली के ऊपर बोझ हो जाता है। तो इससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना इसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। और उसमें यदि अकेला अकेला रह रहा है लड़का या लड़की, बातचीत नहीं कर रहा है, अकेला रूम में रहना पसंद करता है, लोगों में जाना मिलना जुलना कम कर दिया है, कभी कुछ बातें ऐसी अजीबोगरीब कर रहा है, तो तुरंत उसको पकड़ के रिलेटिव्स ने इसका इलाज करना चाहिए, या उसको पकड़ के कुछ ना कुछ मतलब कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। तो जल्दी ये बीमारी पकड़ में आ गई तो इसका इलाज हो जाएगा और नॉर्मल हो सकता है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फैलाओ, ताकि लोगों को जानकारी हो जाएगी कि 1% दुनिया के आबादी में 1% लोगों को उनको ज़िंदगी में कभी ना कभी ये बीमारी होने वाली है, ऐसे रिसर्चेस, ऐसे स्टैटिस्टिक्स है। तो फिर क्यों ना हम इसका इलाज जल्दी करें और लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको लगा अच्छा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।